ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘਰ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੋਕਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ कपड़िया का गोदाम बनाया हुआ सी घर वाले जेडे ने परिवारक मैंबर घरों ही अपना कारोबार चला रहे थे कपड़िया का गोदाम घरे बनाया हुआ सी ते जिस दे विच भयानक अग लगन कारण भारी नुकसान जरूर होया है पर दस दिए कि फिलहाल जानी नुकसान की कोई भी जड़ी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है तो वड्डी खबर अमृतसर तो सामने आ रही है जिथे भयानक अग की चपेट के घर आया है घर के कपड़िया का गोदाम बनाया हुआ सी जिस दे विच भयानक अग लगी अग दियां लपटां भी देखिया जा सकदियां ने मौके ते फायर ब्रिगेड की टीम नूं बुलाया जांदा है फायर ब्रिगेड की मदद दे नाल काफ़ी मुशक्कत तो बाद अग दे उत्ते काबू पाया जांदा है अग की खबर जिहड़ी है देखदियां ही लोग फैलदियां ही लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं लोगों की मदद दे नाल फायर ब्रिगेड नूं सूचना दी जांदी है मौके ते फायर ब्रिगेड पहुँचती है काफ़ी मुशक्कत तो बाद अग दे उत्ते काबू पाया जांदा है अमृतसर का मोकमपुर इलाका जिथे कि यह अग लगी है घर के कपड़िया का गोदाम बनाया हुआ सी परिवारक मैंबर घर तो ही अपना कारोबार चला रहे थे इट्टां दा मकान बनिया हुआ है जिस दे विच भयानक अग लगी है मिनटां दे विच देखदिया ही देखदिया सारा कुछ जल के राख हो गया तहस नहस हो गया कपड़िया का कारोबार किया जा रहा है घर के गोदाम बनाया गया सी फिलहाल अग लगन के कारणों का हले पता नहीं लग सके काफ़ी मशक्कत तो बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने अग दे उत्ते काबू पाया है नुकसान खासा होया इस दे विच हालांकि जानी नुकसान की कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही।